भगवान बुद्ध ने सारी बात आम भाषा पाली में ही क्यों बताई? इसलिए है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि पाली क्या है। जी, पाली का तो आम मतलब तो होता है पालने वाली, और पाली भाषा मतलब पालने वाली भाषा। पाली का मतलब ये पंक्ति भी होता है, यानी जो पंक्तियां होती हैं उसको पाली बोलते हैं। जी, पाली में। मगर यहाँ थोड़ा सा अलग है। बेसिकली यहाँ जो मगधी भाषा है उसका नाम पाली पड़ा है। जी, मगधी भाषा का जैसे नाम से पता चलता है, मगधी का मतलब है मगध की भाषा। जी, और मगध राज्य की भाषा का मतलब है कि जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ बुद्ध बड़े, जहाँ बुद्ध ने खेत में काम किया, जहाँ बुद्ध ने ये ज्ञान प्राप्त किया, उसके आसपास की भाषा। जी, तो भगवान चूंकि सम्यक संबोधि यानी सम्यक संबुद्ध, यानी कि दुनिया को, नेचुरल चीजों को, सबको जानने वाले थे। जी, तो वो इस बात को जानते थे कि ये जो मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और ज्ञान, ये अपने आप में अनकम्परेबल अद्वितीय ज्ञान है, और ये सबको मिलना चाहिए जिससे कि सभी लोग सुखी हो जाए। तो सबको मिले कैसे? सबको जब मिले, जब उन्हीं की भाषा में बताया जाए। जी, तो भगवान ने ये डायरेक्शन दी अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स उनसे सीखते थे, कि आप जहाँ भी जाओगे भिक्षा लेने के लिए, जहाँ भी सिखाओगे, वहाँ इसी भाषा में आपने सिखाना है। जी, तो कई लोगों ने कहा कि उस समय एक छंदस भाषा होती थी, छंद की भाषा, जिसमें छंद बनते थे। जी, छंद भी एक तरह से पंक्ति रवि बनते थे। तो उन्होंने कहा कि छंद वाली भाषा में इसको हम बताएं तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, छंद जो भाषा है उसको बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। आप ये समझिए, जैसे पाली जो भाषा है वो सर पे जितने बाल हैं उतने लोग जानते हैं। जी, और छंद की जो भाषा है वो मूछ में जितने बाल हैं उतने लोग जानते हैं। तो भगवान ये जानते थे कि भाई सर के बाल भी लोग ज्यादा हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को खास तौर से कहा कि आप दुनिया की सारी भाषाओं में इसको बताएं, मगर छंदस में ना बताएं, क्योंकि छंदस में जानने वाले वो तो पहाड़ी एरिया में तो वैसे मूछ में बाल कम होते हैं। जी जी जी, वो गिनती के बाल। तो ये बड़े बड़े कमाल की बात थी। जी, तो पाली आज भी हम बोलते हैं, यानी जो हिंदी में हम जो हिंदी में बात कर रहे हैं, ये पाली का ही एक रूप है जो समय के हिसाब से परिष्कृत और सरल होता चला जाता है। जी, इसमें बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, तो बुद्धाय का मतलब पाली में होता है बुद्ध, आय का मतलब है बुद्ध के लिए। अभी हम इसको सरल करके बोल देते हैं कि बुद्ध के लिए, तब इसको नमो बुद्धाय। अभी कुछ नमो बुद्धस्य भी बोलते हैं, तो नमो बुद्धस्य या नमो बुद्धाय मतलब बुद्ध के लिए नमन। जी, तो ऐसे करके ये सिंपल है, और इसलिए उन्होंने आदेश दिया अब हमें इसे हिंदी में बताना चाहिए, क्योंकि पाली जो सीख सकते हैं वो सीखें। पाली थोड़ी सी अब वैसे तो आसान सी भाषा है, मगर हिंदी और भी आसान है। तो अब हमारे सारे जो बौद्ध भिक्खु हैं या जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, उनको सरल हिंदी में बताना चाहिए।